वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव और फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों ये नाटा और जेई पेपर टू बीआर इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए मैं यहाँ एक ओरिजिन लाइन निकालता हूँ सेंटर से। यहाँ पर देखो कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है, ये एक बात सोच लेनी। तो इसको हॉरिजन लाइन बोलते हैं, एच एल लाइन। तो ये एच एल लाइन पे मैं कहाँ पर भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं जिसको हम वैनिशिंग पॉइंट बोलेंगे। तो वैनिशिंग पॉइंट के लिए मैं यहाँ एक सेंटर में पॉइंट लेता हूँ और ये जो पॉइंट है इसको हम वी पी नाम देंगे। ये हो गया वैनिशिंग पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ अगर आई लेवल मतलब कि एच एल लाइन हॉरिजन लाइन के ऊपर अगर कोई हम चीज़ निकालते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट निकालेंगे। ये जो पॉइंट लिया है ये वैनिशिंग पॉइंट में जाएगा, ये पीछे का भी पॉइंट जो है ये वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, तो ये वर्टिकल लाइन का ये भी पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट इस साइड में एक लाइन लेते हैं, ये हॉरिजन लाइन को पैरेलल लाइन रहेगी, तो ये भी पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट में हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर दें। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर मैंने बनाया और ये जो लाइन है वैनिशिंग पॉइंट में जो लाइन गए हैं इसी को हम एक वर्टिकल लाइन, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन्स है इनको पैरेलल लाइन यहाँ पर हम बनाएंगे। इसको थोड़ा मैं डार्क करता हूँ तो यहाँ एक क्यूब बन गया है। नेक्स्ट अगर यही आंखों के सामने है तो हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट दिखेगा और ये वैनिशिंग पॉइंट के राइट साइड है इसलिए हमें इसका लेफ्ट पार्ट दिखेगा। तो ये थोड़ा मैं डार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि अगर वैनिशिंग पॉइंट के राइट साइड में है तो उसका लेफ्ट साइड दिखेगा और फ्रंट दिखेगा, इसमें टॉप और बॉटम नहीं दिख रहा है। यही अगर हम वैनिशिंग पॉइंट के नीचे अगर निकालते हैं, यही लाइन अगर यही एक क्यूबॉइड निकालता हूँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये वैनिशिंग पॉइंट को यहाँ मैंने ज्वाइन किया, ये भी वैनिशिंग पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन किया। तो दोस्तों फिर से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल निकालेंगे, तो ये एक पॉइंट और ये वर्टिकल लाइन निकाली। अभी ओरिजन लाइन यहाँ पर मैं निकालता हूँ। तो ओरिजन लाइन के लिए लाइन को पैरेलल लाइन रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट मिले, ये भी दो पॉइंट हमें वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइन करने हैं, पर यहाँ पीछे गए इसलिए मैं यहाँ डॉट डॉट से ये लाइन निकाल रहा हूँ। अभी हमें अगर क्यूबॉइड करना है तो यहाँ एक हॉरिजन लाइन को पैरेलल लाइन मैंने दी और ये क्यूबॉइड बन गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टॉप दिख रहा है और फ्रंट दिख रहा है क्योंकि एग्जैक्टली ये वैनिशिंग पॉइंट के सामने है, इसलिए इसका फ्रंट हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो साइड कोई भी दिख नहीं रही, ये टॉप है और ये फ्रंट है। तो इसी तरह अगर हम वैनिशिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में निकालते हैं, जैसे कि हमने ये राइट साइड निकाला, तो वैनिशिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट में स्ट्रेट में ज्वाइन करता हूँ। नेक्स्ट और एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन स्ट्रेट हॉरिजन लाइन को पैरेलल, यहाँ से भी ये पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइन किया। यहाँ पर वर्टिकल लाइन, सॉरी ये हॉरिजन लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन भी, जो जो वर्टिकल लाइंस है इसी को पैरेलल लाइन आएंगे और ये फिर से हॉरिजन लाइन, ये इसको यहाँ पर मैं ज्वाइन करता हूँ। तो ये जो चार पॉइंट हमें मिले हैं ये सारे के सारे वैनिशिंग पॉइंट में हमें ज्वाइन करने हैं। तो दोस्तों ये भी पॉइंट मैंने इस साइड में ज्वाइन किया, यहाँ पर वर्टिकल जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, इसी को पैरेलल लाइन में यहाँ पर देता हूँ।
और ये जो पॉइंट मिला ये ओरिजिन लाइन को फिर से पैरेलल यहां पर हमें देना है। तो ये जो क्यूबॉइड बन गया ये आप देख सकते हैं, यहां पर तीन साइड यहां पर दिख रहे हैं, एक टॉप दिख रहा है, यहां पर टी लिखता हूं, ये साइड है, ये कौन सी साइड है, तो ये राइट साइड हमें दिख रहा है और ये फ्रंट है, तो इसके लिए मैं एफ लिखता हूं। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान देनी है क्योंकि जेई पेपर टू के लिए जो मेमोरी ड्राइंग आता उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। नाटा के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई पिक्चर दिखा के आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसी टाइप में मैं ऊपर भी यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो पॉइंट लिया ये वैनिशिंग पॉइंट में जाएगा स्ट्रेट। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने ओरिजिन लाइन निकाल ली, ये जो पॉइंट है ये भी वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइंट हो जाएगा, ये भी वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइंट हो जाएगा। अभी इसी पॉइंट को वर्टिकल लाइन में यहाँ देता हूँ और ये जो लाइन का ऊपर का पॉइंट है ये भी वैनिशिंग पॉइंट में, ये पीछे से जाएगा डॉट डॉट में हमें दिखेगा, बैक साइड है। सेम ये वर्टिकल लाइन को यहाँ पर भी वर्टिकल पैरेलल लाइन देंगे और ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मैं ज्वाइन करता हूँ। तो ये ऊपर का जो पॉइंट है और ये नीचे का पॉइंट है, ये वैनिशिंग पॉइंट में हमने ज्वाइन किया है नीचे का, ऊपर का भी हम वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी एक क्यूबॉइड मैंने बनाया, तो ये क्यूबॉइड बनाने के लिए ये वर्टिकल जो लाइन है इसी को यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन पैरेलल देता हूँ ये लाइन तक जो कॉर्नर का वैनिशिंग पॉइंट में गया है वहाँ तक, और इसी को ओरिजिन लाइन फिर से एक पैरेलल ओरिजिन लाइन यहाँ पर मैं ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड बन गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट है, ये साइड है जैसा कि यहाँ पर दिखा है, और ये बॉटम है। तो यहाँ पर ये नीचे का पार्ट हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऊपर का पार्ट नज़र आ रहा था टॉप, यहाँ पर ये बॉटम साइड नज़र आ रही है। तो दोस्तों इसी तरह ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको निकालना है। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा, बिल्डिंग निकाल के दिखाऊंगा या और कुछ जो एग्जांपल है वो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ एचएल लाइन मैंने निकाल ली है, ये एचएल लाइन, इसको हॉरिजन लाइन बोलते। फिर से हम यहाँ सेंटर में एक पॉइंट लेंगे और ये सेंटर के पॉइंट से यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ। ये एग्जांपल इसलिए है ताकि आपको अगर कुछ नाटा के लिए कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक पटरी का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये दो लाइंस निकाले जो वैनिशिंग पॉइंट वीपी में ज्वाइंट किए। तो ये पटरी मैं निकाल रहा हूँ, रेलवे की पटरी, तो इस तरह ये पटरी यहाँ पर बनाई। तो यहाँ पर मैं दो दो लाइंस दूंगा पटरी दिखने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पटरी मैं बना रहा हूँ इसका डिस्टेंस जो है ये बढ़ते जाएगा, इसमें ये डिस्टेंस जो है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा और ये लाइंस की साइज भी बड़ी बड़ी होती जाएगी। तो दोस्तों ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आए। इसको हम थोड़ा डार्क करते हैं। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल हो गया। अभी इसी के बाजू में मैं यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स निकाल के दिखाता हूँ। सपोज यहाँ से अगर हम एक वैनिशिंग पॉइंट से एक लाइन ली है, ये लाइन हम ऊपर के साइड लेके जाते तो बिल्डिंग कैसे दिखेंगी। अभी यहाँ वर्टिकल जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए 90 डिग्री में, जो भी हाउस दिखेगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैं डिटेल नहीं करूँगा, एकदम सिंपल सिंपल निकाल कर दिखाऊँगा। तो दोस्तों
वर्टिकल लाइन को सारे लाइंस जितने भी वर्टिकल लाइंस रहेंगे ये सारे के सारे पैरेलल रहेंगे और ये वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ पर जॉइंट हो जाएंगे। जैसे कि ये लाइन निकाली है तो ये भी वैनिशिंग पॉइंट में जाएगी। यहाँ पर अगर हम डोर निकालते हैं तो ये भी वैनिशिंग पॉइंट से यहाँ आएगा और ओरिजन जो लाइन है ये ओरिजन लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। ये भी ओरिजन लाइन को पैरेलल, ये भी ओरिजन लाइन को पैरेलल। इसको थोड़ा मैं शेड करता हूँ तो ये एक हाउस हो गया। यहाँ पर एक नेक्स्ट थोड़ा ऊपर लेता हूँ और ये वैनिशिंग पॉइंट से यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी ऊपर। तो वैनिशिंग पॉइंट से जो लाइन गई यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन निकाल लेते हैं और फिर ओरिजन लाइन निकालते हैं। ये ओरिजन लाइन को पैरेलल, ये वर्टिकल लाइन को जितने भी लाइंस रहेंगे ये सारे पैरेलल लाइन आएगी, ये ओरिजन लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। यहाँ अगर हमें विंडो बनानी है तो दोस्तों ये HL लाइन को पैरेलल लाइन आएगी, ये वर्टिकल जितने भी लाइन है इसको पैरेलल लाइन आएगी, ये फिर से HL लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। तो ये एक विंडो यहाँ पर मैंने बनाया। और यहाँ पर अगर हम डोर बनाते हैं तो ये ओरिजिन लाइन को पैरेलल लाइन और ये डोर की लाइन मैं यहाँ स्ट्रेट ऊपर लेता हूँ वहाँ तक ये लाइन। एक डोर यहाँ पर मैंने बना दिया। तो दोस्तों इस तरह ये बिल्डिंग्स आपको दिखेंगे। इसके पीछे भी अगर बिल्डिंग निकालनी है तो सेम आपको वर्टिकल लाइन, फिर ये वैनिशिंग पॉइंट यहाँ से जो है, ये पॉइंट जो है ऊपर का लाइन का, यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट, फिर ये बिल्डिंग की साइड की पार्ट आ गया और ये जो लाइन आएगी ये ओरिजिन लाइन को पैरेलल लाइन रहेगी। तो दोस्तों इस तरह ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया जो आपको आसानी से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ में आया। तो दोस्तों इस तरह ही इस साइड में आपको बिल्डिंग बनाने हैं। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार बना के देखोगे तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट होगा। और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे नाटा के लिए, तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह है ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि फोटोग्राफ अगर दिखाया ऐसा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और बीआर जेई पेपर टू के बच्चे जो है उनको ये ड्राइंग के लिए यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर मेमोरी ड्राइंग आता है और मेमोरी ड्राइंग में आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो क्वेश्चन है वो आपको समझ के निकालना है कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में है और हम कैसा ड्राइंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको समझाया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ऐसा मैं समझता हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का है। तो चलो दोस्तों चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।